बघेल नोवी की चिंता प्रतियोगिता में सरकार पर छोड़ कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार और कैरियर के निर्माण की दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर में कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है। प्रदेश में 15,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। सहायक प्राध्यापकों के 1384 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 61 क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती की जा रही है। एनएमडीसी और बीएसपी जैसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों में अधिक से अधिक युवाओं की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। अब उनकी परीक्षा दूसरे प्रदेशों में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अनेक शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। मैं एक बार फिर देश भर से आए खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को नई सुविधाओं और उपलब्धियों के लिए बधाई। और अटल जी ने जो बातें कही, बीआर यादव जी संस्कृति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में लगातार वो सक्रिय रहे और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उसके स्मृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए ये स्टेडियम स्वर्गीय बीआर यादव जी के नाम के घोषणा मैं करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जमकर खेलें, मैदान आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। परदेशी जी, क्या है परदेशी, ये आप ब्लड लाइन की मांग कर रहे हैं, यानी कि अब बहता है स्टेडियम का नाम बीआर यादव स्टेडियम।